पास भिवंडी के एक मुस्लिम युवक को नुपुर शर्मा का समर्थन करना इतना महंगा पड़ा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। साद अंसारी नामक इस युवक ने नुपुर शर्मा को ब्रेव लेडी क्या कह दिया कि उसके ऊपर सामत आ गई। मुसलमानों ने युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, फिर हालत इस कदर बिगड़ गई कि पूरे परिवार को अपना घर तक छोड़कर जाना पड़ा। शाद को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं हम आपको। यह वाकया इस समय का है जब भिवंडी इलाके में धर्म के नाम पर धमकी देने का खेल चल रहा था। जिसे धमकी दी जा रही थी, जो धमकी दे रहे थे, वे एक ही खुदा की इबादत करते हैं। इस वीडियो में जिस युवक को धमकी दी जा रही है, उसका नाम साद अंसारी है, जिसकी गलती ये है कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा को ब्रेव लेडी लिख दिया। साद ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि था कि ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहा हो। मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। आगे लिखते हुए साद अंसारी ने नुपुर शर्मा को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्रेव लेडी कहकर संबोधित कह दिया। साद ने भले ही बिना किसी पक्षपात के अपने दिल की बात कही, लेकिन यही बात धर्म के ठेकेदार को नागवारा लगी। लोगों ने उसके घर पर जाकर कानून हाथ में लेते हुए उसे मारा, परिवार को धमकाया, उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। साद ने जो कुछ भी लिखा उसका पूरी तरह से तो समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म के नाम पर उन्मादी भीड़ के जरिए फैसला करने का तरीका बिल्कुल सहज नहीं है। साद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। ऐसे में हमारा सवाल है कि धमकी देने वाले धर्म के इन ठेकेदारों पर एक्शन कब होगा।